गगन लागी ऐसी मोहे लगन लगन होके मगन मगन उड़ गगन गगन लागी ऐसी मोहे लगन लगन मैं तो मीरा हुई मैं तो राधा हुई अरे ओ मेरे घन श्याम रे इश्क खुदा का तुझा नाम नाम रे इश्क खुदा का तुझा नाम दिलदार है क्या वही फूल है हर एक डाली का मंदिर में दिया मस्जिद में दुआ वही अमृत है हर प्याली का ओ यार है क्या दिलदार है क्या वही फूल है हर एक डाली का मंदिर में दिया मस्जिद में दुआ वही अमृत है हर प्याली का सब रंग उसी के नूरों के दुआ है वही फकीरों के मैं तो मर गई रे मैं तो मिट गई रे जान रे है निकली मेरी जान रे इश्क खुदा का दूजा नाम नाम रे इश्क खुदा का दूजा नाम क्या आकाश है क्या एक जिस्म और एक जान है एक ही आकाश वेक अप एंड यू गेटिंग लेट फॉर ऑफिस मॉर्निंग स्वीटहार्ट की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो उसके लिए तो रोज ऑफिस को लेट हो सकता हूँ यार What did you say in Hindi? अब इसको इंग्लिश में समझाओ हनी व्हाई वुड समबडी नीड टू गो टू द ऑफिस हु हैज सच अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थोड़ी बहुत समझ में आती है मुझे वाओ नाइस कमांड आजकल हिंदी क्लासेस ले रही हो क्या थैंक्स टू यू जिसने मुझे इंकरेज किया हिंदी सीखने के लिए बट नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस नाइस आई मीन नाइस कॉफी लाइक यू थैंक यू हनी हे कहाँ जा रही हो आई जस्ट बॉट सम क्लोथ्स फ्रॉम मेसी आई जस्ट वांट टू शो यू मेसी मेसी मतलब इंडिया का बिग बाजार राइट Come on, you're in America, not in India. Just let me try. Okay. I mean, my coming soon wife. What coming soon wife? मेरी होने वाली बीवी या आने वाली बीवी? Do you really love me? तेरे रूह तलक को हो रही बेचैनियाँ यूं ख्यालों ही से तेरे रूह तलक को हो रही बेचैनियाँ बेजुबा सा हो गया क्यों मिलके तुझसे जानिया मिलके तुझसे जानिया
यू ख्यालों ही से तेरे रूह तलक को रही बेचारिया। से जुबान किस जहां की ये सदा जाएगी जाने किस जहां। जर्रे जर्रे वो हुई जैसे जुबान किस जहां की ये सदा जाएगी जाने किस जहां। क्या भला किसी को कुछ भी नहीं मुझको पता कुछ भी नहीं मुझको पता। यूं ख्यालों से तेरे रूह तलक को हो रही बेचैनिया। यूं ख्यालों से तेरे रूह तलक को हो रही बेचैनिया। साजिशों का हो रहा हूँ शिकार है कर रहा कहीं कर न बैठूं दिल रुबा तुझ प्यार है। खामोशियों की साजिशों का हो रहा हूँ शिकार है कर रहा कहीं कर न बैठूं दिल रुबा तुझ से छुपाऊं क्या करूं दिल जानिया। क्या करूं दिल जानिया। यूं ख्यालों ही से तेरी रूह तलक को हो रही बेचैनिया। क्यों ख्यालों ही से तेरी रूह तलक को हो रही Okay, yeah, man. I'll be there in an hour. Where are you going now? Sorry, I have to go to office. Bye, sweetie. Guys. Good morning, sir. Good morning. Sorry for this wait. You know, we Indians never come on time. But Indians always do their work perfectly. Like you did. Yes, sir. San Francisco Constructions is one of the best constructions in the world, sir. Thank you so much for your appreciation. You know, sir, without you, it was impossible. Guys, iska credit mujhe nahi balki aap sabko jata hai. I must say, without you people, I'm nothing. मैंने जो कुछ भी किया है उसका क्रेडिट मेरे साथ आप सबको जरूर जाता है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट अ टीम ऑफ चीनीस इंजीनियर्स इंक्लूडिंग मी। तो अमित वेल व्हाट नेक्स्ट? आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज फ्रॉम इंडिया। व्हाट? कम ऑन अमित, मैं अमेरिका इसलिए नहीं आया था कि वापस इंडिया जाके प्रोजेक्ट करूंगा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास अपने इंजीनियर्स हैं, दे कैन हैंडल इट। बट तुम्हारे जैसे नहीं है दोस्त। अमित, माय नेम इज आकाश। आकाश मींस स्काई। आई वांट टू फ्लाई हियर इन अमेरिका, नॉट इन इंडिया। क्या रखा है उस गरीब कंट्री में? एनीवेज नाउ यू मे लीव। आकाश? यस।
कह रहे हैं? देख, तू यूएस का सबसे बड़ा इंजीनियर है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, पर तू एक बात बता, तूने अपनी स्कूलिंग इंडिया से की है, कॉलेज भी इंडिया से किया है, पर इंडिया के प्रोजेक्ट्स को हर वक्त ना कहता है, क्यों? अमित, मुझे उस देश ने दिया ही क्या है, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस कंट्री की वजह से हूँ, यही पहचान बनाने में मुझे इंडिया में पूरी जिंदगी निकल जाती, तो ज़्यादा मत सोच, ट्राई टू गेट न्यू प्रोजेक्ट। और वैसे भी उस गन में जाकर करना क्या है, तुम्हें पता है कि उस कंट्री में एक मकान बनाने में 8 साल लग जाते हैं, मैं इतने वक्त में पूरा ट्विन टावर खड़ा कर सकता हूँ। तू भी उसी गंद में पैदा हुआ है दोस्त। अमित मेरे भाई, मैं पैदा जरूर उस गंद में हुआ हूँ, वो मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एनीवेज, शाम को मिलते हैं। जब से तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से सिर्फ तुम लड़ाई और झगड़े में। सर, इस बार मेरी कोई गलती नहीं। Try to understand, साहिल, this is your crucial year. This is last warning to you. अगर तुम अब भी नहीं सुधरे, तुम कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे। चुप है, लीव नाउ। कैसा है तू? कैसा है? क्या कहा इस बार? अरे वही पुरानी बात, रेस्टिगेट कर दूंगा नौ। भाई तेरे को मानना पड़ेगा, हर बार बच के निकल जाता है, कभी पढ़ भी लिया अगर टॉप करेगा कॉलेज में। तीन बातें अपने दिमाग में डाल ले। पहली बात, दुनिया में ज्यादातर लोग जो अमीर हैं या तो अनपढ़ है या 10th pass भी नहीं, और रहा डिग्री का सवाल, वो तो मिलेगी ही, तभी तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, नहीं तो एंट्रेंस के एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता। लास्ट बट नॉट एलिस्ट, इंजीनियर बनने के बाद इंडिया में रहना कौन चाहता है, समझा? तेरा सही है, हमें तो यही मरवानी है। अच्छा सुन, ऐश्वर्या की क्लास चल रही है, सब वही है। मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, मैं अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को देखा नहीं करता। पूरा कॉलेज यार ऐश्वर्या पे मरता है और तू देखता तक नहीं है। समायरों की समायर, चल अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा सुन सुन, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, तू क्लास चल, मैं आता हूँ। ओके ब्रदर, मिलते हैं, सी यू। Our country has best engineers in the world. But still, ma'am, हम इतने पीछे क्यों हैं? Infrastructure. And the main reason is you students. Ma'am, अभी तो हमने engineering शुरू की है, तो हमारी वजह से क्यों? Right. आप में से कितने students होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम engineering यहाँ से complete करेंगे और job India के बाहर? क्यों? I guess maximum of us thinks about this. Right? Ma'am, चाहे हम job India में करें या abroad में, नासा में भी तो सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इंडियन है। मिस्टर साहिल, वी हैव रीच्ड टू मार्स, और वो भी कितने कम बजट। देयर आर इंडियन इंजीनियर्स एंड देयर आर साइंटिस्ट हु एक्चुअली वर्क फॉर देयर कंट्री, नॉट फॉर मनी, जो अपने कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, पैसों के लिए नहीं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सुना है कि कोई बाहर का साइंटिस्ट आके इंडिया में काम कर रहा हो? नहीं, अपने घर को हम खुद ही संवारते हैं, तो अपने देश को हम खुद ही संवारेंगे, राइट? देखिए मैम, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंजीनियर भी तो इंडिया का है, मिस्टर आकाश भारद्वाज।
What are you thinking? आज इंडिया से एक प्रोजेक्ट आया था, but I said no to them. Why? वहाँ रखा ही क्या है? और अगर मुझे इंडिया के लिए ही प्रोजेक्ट करना था तो मैं US आया ही क्यों? US ने जो नाम, जो शोहरत मुझे दी है, वो इंडिया में कभी नहीं मिलती सुजी. But it's just a project. बहुत से कंट्री से तुम्हें काम आता है और तुम आते जाते हो. In few months you will come back and what's the big deal? What are you thinking now? I'm confused. Okay, tell me one thing. Why do you always run away from your hometown? Just tell me. I don't know, but I think I should consider on this project. It is kya? Kiski? India project? Toh jayega? Itna excited hone ki zarurat nahi hai, boss. Details hai ya nahi? Are sare details. To main batau? It's a dam and it's in Maharashtra. कितने दिन का काम है? तू जितने दिन में खत्म कर ले. देख, तुझे सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाना है, बाकी सारा कुछ इंडियन इंजीनियर्स कर लेंगे. इंडियन इंजीनियर? या आर यू किडिंग मी? अमित, इंडियन इंजीनियर सिर्फ बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. डैम बनाना उनके बस की बात नहीं है. दे आर गुड फॉर नथिंग. अरे अरे सुन तो सही. किसी लड़की से थप्पड़ नहीं खाया तुम. वैसे प्रिंसिपल का ऑफिस जस्ट सामने है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेके जा सकती हूँ. May I come in, ma'am? Come in? New admission? Yes, ma'am. Please have a seat.
इतना प्यार, इज एवरीथिंग ओके? व्हेनेवर आई इन अ मूड, तुम्हारा फोन डिस्टर्ब कर देता है। सॉरी। हेलो, नहीं नहीं, यू डोंट वरी, आई स्टार्ट पैकिंग माई स्टफ। व्हाट, वेयर आर यू गोइंग? इंडिया की टिकट्स बुक हो गई हैं एंड आई एम लीविंग टुमारो नाइट। बट हाउ कम सो फास्ट? कल तुमने ही तो कहा था कि इंडिया का प्रोजेक्ट एक कर लो, सो नाउ आई एम ऑलरेडी टू डू द प्रोजेक्ट। ओके सूजी, क्या हुआ? Nothing. बस डर लग रहा है। If you don't come back. Come on. कल तुमने ही तो कहा था, इससे पहले भी तो कितनी बार गया हूं ना मैं, और हमेशा वापस आया हूं। इस बार डरना क्यों? इस बार पता नहीं क्यों डर लग रहा है। Because you're going to your hometown and you haven't been there for the last 10 years. I don't know. I love you, sweetie. Do you need anything from India? I only need Akash. Okay. So now Akash is not going anywhere. Yeah, Amit. Cancel the tickets. नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सब प्रोजेक्ट यहीं करेंगे। No, 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 Amit. Don't cancel the tickets, he's going to do the work, okay? Akash, I'm gonna kill you. लाख ना निकल सके।
हूँ तो ऑब्वियसली एक सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए आऊंगा। आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सॉरी, वी कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स। सर, क्या लगता है आपको, आपके जैसा इंजीनियर और है कोई? यस है, और आपके इसी देश में। जब एक अच्छा इंजीनियर यहाँ से जा सकता है तो बाकी क्यों नहीं। बस जरूरत है कि आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन आपसे अच्छा कोई है यहाँ पर? जी मैडम है, और इसी देश में। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, आकाश भारद्वाज जो अमेरिका से इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए आए, वो मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी अच्छे इंजीनियर, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। मैं कैमरामैन सुजी के साथ दीपा करण, टुडे न्यूज। सी दिस वन। मिस्टर आकाश, वी आर ऑनर्ड टू कॉल यू फॉर दिस प्रोजेक्ट। इट्स माय ऑनर मिस्टर आहूजा। आई होप मिस्टर आकाश यू हैव नॉट डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट विद मीडिया। Mr. Ahuja, no need to worry. I know my limits. Mr. Akash, हम पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्रोजेक्ट बन सकता है, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आपको इनसे बेहतर कोई मिलेगा भी नहीं। तभी तो आपको बुलाया है, हालांकि आपने थोड़ा टाइम जरूर लिया है। मिस्टर आहूजा, कोई भी प्रोजेक्ट एकदम से हाथ में नहीं लिया जाता, और वैसे भी हर प्रोजेक्ट का एक समय होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, इंडिया इसको बनाने की पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली 15 ईयर्स, जब आकाश और मैं कॉलेज में थे। एनीवे जेंटलमैन, आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट डिटेल सेंड कर दी थी, मैं उन सबको देख भी चुका हूँ। मैं कल से ही काम शुरू करना चाहूँगा। क्या कल हम साइट पर विजिट कर सकते हैं? कल नहीं, नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक क्यों, कल क्यों नहीं? हम PM की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट? इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इस डैम को बनाने के लिए सरकार की परमिशन भी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परमिशन तो मिल चुका है, बट PM wants to meet you personally for this project. At least you could have told us earlier, gentlemen. Do you have any idea कि हम कितनी सारी मीटिंग छोड़ के हैं आप लोगों के लिए? आकाश, एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इसके लिए हम आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं पाए। फिकर ही नहीं है, अब एक हफ्ते तक वेट करो इनका। तुम ऐसा करो, मेरी कल की टिकट बुक करो। वेट कर लेना, चले जाना। मैं यहाँ पर करूँगा क्या? कौन है मेरा यहाँ? क्या बात कर, कौन है तेरा यहाँ? हर कोई तो है, बचपन से जवानी तक सारा कुछ तो यहीं का है, और क्या चाहिए? आमिर, 10 साल हो गए मुझे ये कंट्री छोड़े हुए। यार इतने भी नफरत, आज तो जिस भी मुकाम पे है इसी कंट्री की वजह से। नो मैन, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी काबिलियत की वजह से। हे डार्लिंग, हाउ कैन यू फॉरगेट मी? पहुंच के फोन करना था ना, व्हाई हैवंट यू कॉल्ड मी? ओह आई एम सॉरी, आई स्टक इन अ मीटिंग यार। या जस्ट अभी फ्री हूँ। बट आई मिस यू। Hello, Akash. Can you hear me? Yeah, hey, can I call you later? What? Maggie है? हाँ यार, पर कुछ भी नहीं बन रहा यहाँ पे। चले देखने। अभी? हाँ। अभी? वक्त तो है। चल देखते हैं कितना बदलाव आया है। ठीक है, गाड़ी घूम। यार कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे, सिर्फ दीवारों के कलर बदले हैं। हमें क्यों नो, बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है यार। मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं आज फिर से एडमिशन ले लूं कॉलेज में। ए, वो देखा तुमने? हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल बैठता था वहां पे। बहुत मस्ती की है यार।
कभी नहीं भूल सकता। मुझे भी मुश्किल है। मैं अमेरिका नहीं जा रहा बॉस। समायरा कम इन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। समायरा तुम्हें ये कॉलेज ज्वाइन किए हुए 8 साल हो गए और आज भी मैं तुम्हें सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट ऑफर करता हूँ, पर लगता है तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? सर ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स के बीच रह के उनका मॉरल बूस्ट करना चाहती हूँ। समायरा तुम इस कॉलेज की टॉपर रही हो और तुमसे नीचे वाले स्टूडेंट आज भी इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, पर तुमने कभी ट्राई नहीं किया? सर मैं ट्राई करना भी नहीं चाहती। अगर सारे इंजीनियर्स इंडिया के बाहर जाके काम करेंगे तो इंडिया में रह क्या जाएगा? सिर्फ नाम की कॉलेजेस। सर मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ और यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, वर्क फॉर योर ओन कंट्री रादर देन वर्किंग फॉर अदर्स। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। और हाँ, तुम चाहे हायर पोजिशन लो या न लो, लेकिन मैंने तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बच्चों का मॉरल सपोर्ट कर सकूं। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मैं कॉलेज गया था, मुझे वहाँ जाके पता चला कि तुम प्रोफेसर बन गई हो। क्यों? बनना नहीं चाहिए था। मैंने जस्ट पूछा। वैसे हमें मिले हुए इतना टाइम हो गया, तुम अभी भी मुझसे। प्लीज हम किसी और टॉपिक पे बात करें। तुम अकेले रहती हो?
हाँ। और पेरेंट्स? फैमिली लंदन शिफ्ट हो चुकी है। वैसे यकीन नहीं होता। किस चीज का? कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मेरे सामने बैठा है। Come on, समायरा। समायरा, मैं सबसे बड़ा इंजीनियर तुम्हारी वजह से हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। यहाँ तक कि तुम मुझसे बड़ी इंजीनियर हो। तुम नहीं होती तो आज मैं नहीं होता। राइट आकाश, मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? शादी की तुमने? प्लीज आकाश, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और तुम भी अपने लाइफ में खुश रहो। भगवान के लिए मेरे लाइफ में वापस मत घुसो। ये बस, इट्स ओके। ओके देन, थैंक यू फॉर योर टाइम। या तुम्हें जो जानना था वो तुम जान चुके। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। इवन आई फील द सेम। थैंक्स फॉर कमिंग। तूने तो टॉप किया है पूरे कॉलेज में। आकाश, वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर बनना है मुझे, कोई ऐसा वैसा प्रोफेसर नहीं। और हाँ, अगर तुम भी थोड़ी मेहनत कर लेते तो तुम भी टॉप कर सकते थे आकाश। तो इसका मतलब ये हुआ मैडम कि अब तो आप हमसे शादी भी नहीं करेंगे। क्यों? अब शादी का इंजीनियरिंग से क्या लेना देना? कॉलेज टॉप किया है और मैं थर्ड डिवीजन से पास हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई इंजीनियर बन पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाओगे? मैं हूँ ना तुम्हें बनाने के लिए। हाँ, अब मैं पढ़ाऊंगी तो इंजीनियर क्या, वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर बनोगे तो, समझे? सच्ची मच्ची। और रही बात शादी करने की, तो मैं तुमसे ही करूँ। अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, नॉट फॉर मनी। लेकिन मैम, हम इंजीनियर बनते ही क्यों हैं? अगर मेरे डैड 10 लाख रुपए देकर के मेरा यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं, यही सोच करके ना कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करूं और खूब सारा पैसा कमाऊं। यही प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी की। हम अपने बच्चों को वो प्रोफेशन नहीं चूज करने बोलते जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है। हम उन्हें ऐसा प्रोफेशन चूज करने बोलते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा पैसा मिले। हम आप कितने नहीं बन सकते, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। वैसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? आज समायरा के घर गया था दोस्त। क्या बात कर रहा है, कुछ कहा उसने? कुछ नहीं बोली, बस गुमसुम बैठी रही। कहीं तू उसके प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गया? I don't know यार, but I still have a soft corner for her। यार, तू और तेरे सॉफ्ट कॉर्नर, मैं तो परेशान हो चुका हूँ इससे। मुझे एक बात बता, तू इतने साल से यूएस में था, हर पल तेरे साथ किसने दिया? कौन तेरा ख्याल रखा? अब तू भूल जा उसे, सुजिए तेरी लाइफ में, उस पे ध्यान दे। इसलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहता था, यू नो, पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती यार। यार, कब तक भागेगा? कब तक भागेगा असलियत से? यू नाउ ए बिग इंजीनियर, one of the best engineers of the world. Just think about yourself. Stop living in the past, bro. Hello? Yes, sir. Sir. Kya? Lekin sir, इतनी जल्दी? क्या हुआ?
यार लगता है इंडियन गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है. दे वॉन्ट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक. शिट यार. मैं तो कहता हूँ यार टिकट करवाते हैं वापस चलते हैं. रुक रुक जा. मैं ही बेवकूफ था जो तुझे फोर्स किया यहाँ आने के लिए. मैं कल की टिकट करता हूँ एंड लेट्स गो. मैं इन्हें प्रोजेक्ट के लिए मना करता हूँ. रुक जा. अब क्या हुआ? ऐसा कर नेक्स्ट वीक की करा. यार कैसा बंदा है तू? कभी बोलता है हाँ कभी बोलता है ना. अभी टिकट करवा नहीं रहने दे. व्हाट डू यू मीन? अबे तू नहीं समझेगा. बस तू ही एक समझदार है, बाकी हम तो सब पागल ही हैं. बिल्कुल सर. इनफैक्ट मेरी तो पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. ये कॉलेज जहां हमने इतने दिन बिताए थे. ओह समायरा कम इन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हैव अ सीट. यह है मिस्टर आकाश, अ वेल नोन इंजीनियर इन द वर्ल्ड. जी सर. इन्हें कौन नहीं जानता? तुम जानते हो एक दूसरे को? जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैंने अपना इंजीनियरिंग से पास आउट किया. दैट टाइम शी वाज माय बैचमेट. ओह जी सर. मेरे ऐसे बहुत से बैचमेट्स हैं जिन्होंने रुपयों में पढ़ाई की है और आज डॉलर्स में कमा रहे हैं. समायरा लाइफ भी बड़ी अजीब. एक दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर और एक कॉलेज की सबसे अच्छी लेक्चर. पर इंजीनियर होना अपने आप में बड़ी काबिलियत है. माफ कीजिएगा सर, पर अगर इन्हें अच्छा लेक्चरर नहीं मिला होता तो शायद ये इंजीनियर बन पाते. यू आर ट्रू समायरा. अगर लेक्चरर नहीं होते तो आप भी इंजीनियर नहीं बन सकते थे मिस्टर आकाश. Yes. Sir, I think I should leave now. By the way, what will you have? वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? तुम्हें मैं मिलने के लिए बुला नहीं सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम्हारी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती? मेरे फैमिली वाले? एक्चुअली मैं मेरे फैमिली वाले दिल्ली में रहते हैं और मैं इस घर में अकेला रहता हूँ. Priya, may I sit here? Yes. Thank you. Priya? Huh? हाँ हाँ बोलो ना. शायद तुम्हें गलत भी लगे. अभी सिर्फ दो दिन हुए हमारी फ्रेंडशिप को. आई नीड टू थिंक.
I can't wait, Priya. साहिल, ऐसे decisions इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते। मुझे कुछ सोचने का time तो दो। Answer me yes or no, please. साहिल। Priya, please. I really love you. देखो ये सब बहुत गलत है। मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था। बोलो क्या काम है? समायरा, आज मैं आकाश भारद्वाज बन के नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारा अपना आकाश बन के आया। प्लीज आकाश, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था। अपनी खुशियों की खातिर अपने प्यार को भुला देना कभी भी सही नहीं होता समायरा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। देखो आकाश, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, और रही बात प्यार की, तो मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सच में बहुत बदल गई हो समायरा। आकाश, प्यार इंसान को बदल देता है, फिर चाहे वो धोखा हो या फिर सच्चा प्यार। देखो बारिश आने वाली है, तुम प्लीज अपने होटल वापस चले जाओ। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। तुम यकीन मानना कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। आकाश, तुम अपनी गाड़ी नहीं लाए? नहीं, आज मैं आकाश भारद्वाज नहीं बल्कि तुम्हारा अपना आकाश बन गया। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, जब रुकेगी तो चले जाना। नहीं रुकी तो मैं तुम्हें खुद पैरों तक छोड़ने के आऊंगी। जाओ, तुम बेडरूम में जाके चेंज करो। आई डोंट हैव क्लॉथ्स। अलमारी में अभी भी तुम्हारे कपड़े पड़े हुए, जाके पहन लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। शुगर 2 स्पून होंगे। थैंक्स बताने के लिए, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। सर्दी जल्दी लग जाती है।
करार चैन रूह का भी खो गया दिल का करार चैन रूह का भी खो गया जिंदड़ी ये जिंदड़ी ना बिन तेरे सोनिया बिन तेरे सोनिया दिल का करार चैन रूह का भी खो गया दिल का करार चैन रूह का भी खो गया जिंदड़ी ये जिंदड़ी ना बिन तेरे सोनिया बिन तेरे सोनिया के तुझे गया जो लगा वही छूट गया क्या हुआ क्या पता फिर लगा जैसे लुट गया ओ मिलके तुझे गया जो लगा वही छूट गया क्या हुआ क्या पता फिर लगा जैसे लुट गया पहली दफा ये मुझ पे हुई मेहरबानियाँ हुई मेहरबानियाँ दिल का करार चैन रूह का भी खो गया दिल का करार चैन रूह का भी खो गया
मॉर्निंग। आकाश, मेरा मतलब बस यही है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब बस एक मोमेंट था, भूल जाओ उसे। सिर्फ एक मोमेंट था क्या? कहना क्या चाहती हो तुम सुमायरा? देखो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो सब बस एक मोमेंट था। That doesn't mean I love you. Please, तुम वो सुमायरा, अगर हम एक बार फिर से साथ रह सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? Oh, really? तुम्हें लगता है हम फिर से साथ रह सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। नेक्स्ट वीक तुम अमेरिका चले जाओगे, फिर से वही अकेलापन, वही कॉलेज, वही घर, फिर से तुम्हारा इंतजार आकाश। समायरा, मैं हर महीने तुमसे मिलने आ सकता हूँ। आकाश, हम साथ नहीं रह सकते, समझे तुम? प्लीज, नाउ जस्ट लीव फ्रॉम हियर। समायरा प्लीज। आकाश प्लीज, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तेरे नाल दिल जुड़िया, तेरे वास्ते मैं जी रहा वा, दूर दूर जाना सुनिया, बिन तेरे अब की करा, तैनु वेख वेख कटे आए पल, अब रोंदा है हंजुआ बिना, तेरे नाल दिल जुड़िया, तेरे वास्ते मैं जी रहा वा, तेरे नाल दिल जुड़िया, तेरे वास्ते मैं जी रहा वा। दिसदा मैनू कोई हो, दिल ये मेरा पुछदा रिहा, जानाया किन्नी की दो, सारे रास्ते मैं भुलिया, तेरे नाल मैं ना जुड़िया, सारे रास्ते मैं भुलिया, तेरे नाल मैं ना जुड़ेरा, तैनु वेख वेख कटे आए पल, अब रोंदा है हंजुआ बिना, तेरे नाल दिल जुड़िया, तेरे वास्ते मैं जी रहा वा, तेरे नाल दिल जुड़िया, तेरे वास्ते मैं जी रहा वा। तेरा नशा चढ़ने लगा, होया कि मेरे तो कसूर, जाने ना खुदा
नर्दा पया सजना तू मिलना जरूर तेरे ख्वाब लेके चलिया तेरे नाल मैं ना जुड़िया तेरे ख्वाब लेके चलिया तेरे नाल मैं ना जुड़िया मैं जी रहा वा तेरे नाल दिल जुड़िया तेरे वास्ते मैं जी रहा वा Akash, where are you? Where are you coming back? It's been a long time. No idea. What? Hello, Amit. Where's Akash? Don't know. Where Akash is? No, he must be busy in work. He has left his phone at home. Please tell him. I'm worried. Jaise hi aayega, I'll call you. But please tell him, huh? Sure. Oh, yeah. What? यार कहाँ है रात भर से झूठ बोल बोल के परेशान हो गया हूं मैं कहाँ था रात भर यार रात भर से फोन कर रहा हूं फोन नहीं उठा रहा है उधर सुजी परेशान है सुबह से 5 बार फोन कर चुकी है कहाँ था समायरा के घर व्हाट अब तू ये मत बोल कि तू सुजी को छोड़ के समायरा के साथ रहना चाहता है एक काम कर बैठ 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 यार देख तू ठंडे दिमाग से सोच वहां सुजी तेरा वेट कर रही है और तू यहां नई प्रेम कहानी शुरू कर रहा है I know, man. पर अगर मैं अपना पास ठीक करना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है उसमें तो ठीक है फोन कर ले बोल दे उसे तुझे भूल जाए ठीक है कर फोन बता दे उसे यार तू पागल हो गया है एक एक काम कर सुन तू आज रेस्ट कर ले सोच ले हम लोग शाम को बात करते हैं ठीक है ठीक है अमित तुझे पता नहीं शायद कि मैं इंडिया क्यों नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं जानता था अमित कि समायरा यहाँ मेरा वेट कर रही होगी अभी तक उसने मेरे लिए शादी तक नहीं की तुम समझते क्यों नहीं हो यार ऐसा कर तू आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला क्यों क्योंकि मुझे अब इंडिया के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं करना समझ गया अभी ये क्या कर रहा है दिखता नहीं पैकिंग कर रहा हूं पर टिकट तो अगले हफ्ते की है अभी से शुरू कर दे बेटा ये सब ना तेरी वजह से हुआ है तुझे पता था ना मुझे इंडिया नहीं आना है फिर भी तूने मुझे फोर्स किया अब बेटा सारा प्लान मेरे ऊपर वाह देख अमित तू समझ नहीं रहा है यार मैं जब तक इंडिया में रहूंगा समायरा का पीछा नहीं छोड़ सकता
सूजी का क्या? तो फिर शुरू हो गया ना, मुझे नहीं पता सूजी का क्या। देख जरा कौन है। अब तो दरवाजे पर कोई दस्तक भी होती है तो लगता है कि समय रही होगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। पर मेरी वजह से अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू नो, जा रहा हूं मैं अमेरिका। आकाश, आई स्टिल लव यू आकाश, और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बैठो। समायरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अब साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है। तुम चाहती हो तो मैं अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान भी सेटल हो सकता हूँ। कुछ लाइफ के रूल्स हैं। मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, सुशी भी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। समायरा, वो सब हम साथ में रह के भी तो कर सकते हैं ना। हमने सिर्फ मैं समझ नहीं आता तुम अकेले ही क्यों करना चाहती हो सब। आखिर परेशानी क्या है समायरा? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। You changed a lot. जब इस दुनिया से अकेले ही जा रहा है तो सारे काम भी तो अकेले ही करने होंगे ना आकाश। मतलब? मतलब कि I'm suffering from blood cancer. क्या? मुझे बताया क्यों नहीं समायरा? सब कुछ छुपा के रखा, डॉक्टर को दिखाएंगे समायरा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगा, सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आकाश, अब कुछ नहीं हो सकता। I'm at the third stage. कुछ नहीं हो सकता। समायरा, देखो तुम प्लीज प्लीज अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ मुझे। समायरा।
क्या हो? हम आज रात को ही निकलेंगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मेरे पास नहीं थे। आखिर तुम क्या करने आए हो आकाश? समारे तुम समझ नहीं रही हो तुम्हारी कंडीशन क्या है। मैं आज रात को निकलना है। मुझे कहीं नहीं जाना। अमेरिका जा रही हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? समायरा, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। हम अमेरिका जाएंगे, तुम्हारा इलाज वहां करवाएंगे। वहां एक से बढ़कर एक डॉक्टर है समायरा। तुम एकदम ठीक हो जाओगी। क्या करूंगी मैं पहले की तरह ठीक होके? हाँ, जिंदगी तो मुझे अकेले ही गुजारनी है ना। पहले तो तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं, तो अब अचानक से इतनी परवाह क्यों? हाँ, रिश्ते से ये सब कर रहे हो तुम? I still love you, समायरा। तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। ये हालत तो फिर भी बहुत अच्छी है। आज मैं एक बार मरूंगी, पर पहले तो रोज रोज मरा करती थी और बस यही सोचती थी कि मुझे मौत क्यों नहीं आ रही। और जब जिंदगी को जीना सीखा तब मौत को भी मेरी खुशी अच्छी नहीं लगी। पहले तो तुमने मेरी परवाह नहीं की, तो अब इतनी परवाह क्यों आकाश? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। तुम बातों को भूल जाओ समायरा। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है यार। उठो। समायरा, तुम रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। आकाश, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम को डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। Hi, good evening. How are you feeling today? Better. Okay, good. Excuse me, Akash. Can I talk to you for a while? Yeah, doctor. मैं अभी आया। Yes, doctor. As I have seen the report, cancer पूरी तरह से उसके body में spread हो चुका है। Yeah, I know, doctor. You can try something else. Means? You can try chemo. Well, इस stage में chemo कर सकते हैं, लेकिन chemo काम नहीं कर पाए। इसी वजह से उसकी internal हालत बहुत weak हो जाएगी। Take care of her. तो फिर क्या कह रहे डॉक्टर? My best opinion is that you can take her home and try to make her happy. क्या और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? साइंस तो यहाँ आकर रुक जाती है, बाकी गॉड है। सॉरी एंड बेस्ट ऑफ लक आकाश। Thank you.
Yeah. Okay, I'm on my way. I just reached India. Okay. Oh my God, this man is disgusting. Just don't know what I'm gonna do with him. Girlfriend, that's why you were avoiding me. Do you love her? Yeah. Or Mutsu? Tell me, please, I'm asking you something. Susie, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, she's suffering from... How many times will you tell me? लेकिन बहुत तुम्हें अभी पता चला था शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर व्हेन यू केम टू इंडिया फ्रॉम यूएस यू स्टिल लव मी बट इन अ वीक यू हैव थ्रो मी आउट ऑफ योर लाइफ यू हैव चीटेड ऑन मी आकाश आई लव हर व्हाट वेरी गुड डू व्हाट यू वांट सुजी Hey guys, क्या करना है? First semester की campus training शुरू हो रही है। मैं तो उस कंपनी में जाऊंगी जहाँ बहुत सारे लड़के होंगे। अरे तुझे लड़कों के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? तू बार-बार मेरी बातों को काटा मत कर। यार मुझे तो बहुत भूख लगी है इसलिए मैं जा रहा हूँ कैंटीन। तुम लोग आ रहे हो? रुक रुक, मैं आ रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसकी तो ओए तू क्यों मुंह लटकाए बैठा है क्या हुआ कुछ नहीं यार थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज एक काम कर तू बैठ मैं तो जा रहा हूँ तू चल रही है साथ तू चल मैं आती क्या हुआ तुझे इतना परेशान क्यों है जितना उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वो मुझे याद आ रही है समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है देख हर चीज का एक सही वक्त होता है आज तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है जरूर उसे भी हो रही होगी धीरे धीरे ये सब नहीं होगा कुछ वक्त दो सब ठीक हो जाएगा कह देना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल होता है करना और मुझ पे बीत रही है मैं ही जानता हूँ मैं समझ सकती हूँ चलो ये सब छोड़ो कैंटीन चलते हैं नहीं तुम जाओ तुम क्या करोगे यहाँ चलो कैंटीन चलते हैं अपर्णा मैंने कह दिया ना तुम जाओ मैं आता हूँ प्लीज साहिल मैंने कहा ना तुम लोग जाओ मैं बाद में आता हूँ तुम्हें बात नहीं समझ आती I'm really sorry. वो मुझे लगा मेरे फ्रेंड है It's okay. Actually, I came here to tell you that I have migrated in some other college. That's nice. पर इतनी जल्दी सब वो पापा का ट्रांसफर हो गया भोपाल तो डैड ने सेम कॉलेज में माइग्रेट किया भोपाल ओके गुड सोचा तुमसे मिल लूं एक बार अच्छा किया वैसे कब जा रहे हो कल जा रहे हैं ओके क्लास का टाइम हो गया ठीक है
Yeah, sure. Bye. Get up. तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पहले चाय पी लो, फिर बात करते हैं। तुम्हारी आदत है क्या लोगों को बीच रास्ते में छोड़ने की? समायरा, बात बीच रास्ते में छोड़ने की नहीं है, बात है अपने आप को जानने की। मतलब तुम्हें पता है तुमसे दूर जाने के बाद मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुमसे बात करूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पर मेरे लिए तुम्हें फेस करना उतना ही मुश्किल था जितना कि तुमसे दूर जाना। और तभी सूजी ने मेरी जिंदगी में आकर मुझे सहारा दिया। और आज तुम उसी सहारे को भूलना चाहते हो? समायरा, मैं किसी सहारे को नहीं भूल रहा हूँ। यूएस में रहके मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट किए, लेकिन इंडिया का प्रोजेक्ट पहली बार लिया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आके मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा। पर किस्मत के खेल, इंसान जिस चीज से जितना दूर भागता है एक वक्त पर वही चीज़ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही उसे लगता है कि वो चीज़ उसे मिलने वाली है, वो उसे बहुत दूर चली जाती है। मेरी एक बात मानोगे? प्लीज प्रॉमिस करो। करो, कोशिश करूंगा। पहले प्रॉमिस करो। या प्रॉमिस। सूजी से शादी कर लो आकाश, प्लीज। सूजी तुमसे बहुत प्यार करती है, शी लव्स यू अ लॉट। और फिर हम दोनों के बीच उस बेचारी का क्या कसूर? पर समायरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। यू? I'm sorry, Akash.
are so gorgeous. And this guy. He loves you so much. Susie. You know what? You guys look great together. And you should get married as soon as possible. Before I die. You will be in our hearts forever. साहिल, हाय प्रिया। हाय। तुम अभी तक गए नहीं? तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना। वो जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ। I know, I will miss you a lot. I will miss you too. साहिल, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ, प्यार तो बहुत करता हूँ मैं तुमसे, मगर मेरी एक गलती की वजह से शायद मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन प्रिया, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ प्रिया। I love you. Love you. Sach? I love you too, Priya. सॉरी आकाश, जितना हमारे हाथ में था हमने किया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ओके तो करोगे ना आकाश? सुमायरा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं। Thank you.
तुझे मिला बेटा। पापा होशी। बेटा शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा देखो पापा को अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? पापा जब शाम को आएंगे तो पूरी स्टोरी सुनाएंगे। अभी पापा जाएं? यस। ठीक है आप ये देखो। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग। इसके बाद आप सभी सिर्फ जॉब की प्रिपरेशन करेंगे एंड इसके बाद यू ऑल विल बी गोइंग टू अब्रॉड वेरी सून। सर, अगर वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर यूएस छोड़ के यहाँ आ सकता है तो फिर हम अब्रॉड क्यों जाएं? गुड, सिट डाउन। थैंक यू सर। वेल, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तुम जानती हो उनको? हाँ, ऑफ कोर्स, ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। और वो मुंबई के केजी सुमैया कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। होके मगन मगन उड़ू गगन गगन लागी ऐसी मोहे लगन लगन के मगन मगन उड़ू गगन गगन लगी ऐसी मोहे लगन लगन। मैं तो मीरा हुई मैं तो राधा हुई अरे ओ मेरे घन श्याम रे। इश्क खुदा का तुझा नाम नाम रे। इश्क खुदा का तुझा नाम तेरा क्या दिलदार है क्या वही फूल है हर एक डाली का। मंदिर में दिया मस्जिद में दुआ वही अमृत है हर प्याली का। ओ यार है क्या दिलदार है क्या वही फूल है हर एक डाली का। मंदिर में दिया मस्जिद में दुआ वही अमृत है हर प्याली का। सब रंग उसी के नूरों के दुआ है वही फकीरों के। मैं तो मर गई रे मैं तो मिट गई रे। मेरी जान रे हाय निकली मेरी जान रे। इश्क खुदा का दूजा नाम नाम रे। इश्क खुदा का दूजा नाम। धरती है क्या आकाश है क्या एक जिस्म और एक जान है। एक ही वजूद के रूप है दो एक की दो दो पहचान है। धरती है क्या आकाश है क्या एक जिस्म और एक जान है। एक ही वजूद के रूप है दो एक की दो दो पहचान है। एक चलता है एक ठहरा है बड़ा राज सनम ये गहरा है। मैं तो मर गई रे मैं तो मिट गई रे। खुदा का दूजा नाम नाम रे। इश्क खुदा का दूजा नाम।